नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आखिर राजा ने अपनी खूबसूरत नौजवान लड़की की शादी आखिर उस गरीब किसान के बेटे के साथ में क्यों कर दिया? वास्तव में यह कहानी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त कहानी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहे। आपने राजा और रानी की कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की जो मैं राजा की कहानी सुनाऊंगी ना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब कहानी है। थोड़ा सा समय आपका मैं जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन यह कहानी आपको दिल को छू जाने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान जो बहुत ही गरीब थे, पति पत्नी दोनों छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते थे। उस गांव में सबसे गरीब किसान थे, उनके पास छोटा सा थोड़ा सा जमीन था और उन्हीं में वे खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी करते थे। और उस किसान के घर जो है एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसे उनको पुत्र की प्राप्ति होती है तो बड़े ही खुश होते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर उस पुत्र को देख करके खूब खुश होते हैं। दो चार दिन बीते रहते हैं, तब तक जो उस रास्ते से एक साधु बाबा, एक ब्राह्मण थे, उस रास्ते से गुजरते हैं। और जो साधु बाबा उस रास्ते से गुजरते, वह साधु बाबा बहुत ही पहुंचे हुए बाबा थे। वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और ऐसा लोग कहते थे कि जो भी वह भविष्यवाणी करते वह 100% सत्य होता है। तो उन किसान और किसान की पत्नी ने कहा, देखो जी, वह साधु बाबा कितने हम लकी हैं कि आज हमारे घर के रास्ते से जा रहे, क्यों ना हम लोग अपने इस छोटे से बच्चे के बारे में पूछ लिया जाए, आखिर इसके भविष्य क्या है। फिर उस किसान ने उन साधु बाबा को रोक करके अपने उस बच्चे की भविष्यवाणी देखने की कही। तो साधु बाबा ने बच्चे की जब मस्तिष्क देखा तो उसका मस्तिष्क पर बिल्कुल चमक रहे थे, चांद बने हुए थे, उसका चेहरा अलग ही राजकुमार जैसा नजर आ रहा था। तो साधु बाबा ने कुछ देर ध्यान करने के बाद कि उन किसान को बताया कि देखिए जी, ये आपका बेटा है, आप लोग इसके माँ बाप है, आप लोग गरीब है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जब यह लड़का बड़ा होगा तो यह एक राजा बनेगा। किसान और किसान की पत्नी ने कहा, क्या बात कर रहे, मेरा बच्चा, मेरा लड़का बड़ा होकर के राजा बनेगा? अरे हम लोग कितने लकी है कि मेरा बेटा एक राजा बनेगा। बस वह किसान और किसान की पत्नी इस बात को अगल बगल ढिढोरा पीटने लगते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के राजा बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के राजा बनेगा। लेकिन क्या करेंगे, हर गांव में किसी ना किसी का तो दुश्मन होता ही होता है, क्योंकि हर बात किसी को हजम नहीं होती है। और उस गांव में ऐसा ही एक शख्स था जो उस किसान का बहुत ही दुश्मन था। और जब यह सुनता है कि अरे वो गरीब, वो किसान, उसका बेटा जो राजा बनेगा, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। अरे ये जो साधु है, पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसे ही आकर के भविष्यवाणी करके चला जाता, कुछ भी वक्त तर नशे के धुर्त में होगा और उसकी झूठ अफवाह वाली बातों को लोग सोच करके हल्ला कर रहे, हल्ला कर रहे, कुछ ना होने वाला, भला एक गरीब कंगाल है, इसका बेटा राजा बन सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वहां से वे साधु बाबा एक राजा के पास में जाते हैं, राजदरबार में, क्योंकि राजदरबार से ही उनका बुलाया था, तो वे उस रास्ते से जा रहे थे। तो जब राजदरबार में वहां पर पहुंचते तो राजा के यहाँ जो है एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। तो राजा साहब ने कहा कि देखिए, मेरी को एक पुत्री हुई है और आप कृपया इस पुत्री की भविष्यवाणी देख करके बताए कि मेरी पुत्री की भविष्यवाणी क्या है। फिर उस साधु बाबा ने उस पुत्री की भविष्यवाणी की, तो जो भविष्यवाणी करता है राजा साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं। साधु बाबा ने कहा कि आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत होगी, नौजवान होगी, लेकिन इसका जो विवाह ना एक किसान के बेटे से होगी, और जो किसान का बेटा जन्मा है, जिस दिन इसका जन्म हुआ उसी दिन उसका भी जन्म हुआ, और वह अगल बगल के ही किसी गांव में। उस साधु बाबा ने पूरा का पूरा पोल नहीं खोलते, उनको समझ आ गया था कि आखिर कौन सा। राजा बड़ा हैरान होता, कहता क्या बात करे कि मेरी बेटी की शादी जो है एक किसान के बेटे से होगी। उसने कहा, क्या इसको बदला नहीं जा सकता? साधु बाबा ने कहा, ये हमारे और आपके नियम नहीं है कि जो हमेशा बनाए जा सकते, ये विधाता का नियम है, और जो वह लिख देता है उसको होकर ही रहता, चाहे हम कितना भी कोशिशें कर लें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन राजा अपने आप पर बड़ा ही घमंड था कि मैं इस देश का राजा, इस नगर का राजा, और मैं अपनी बेटी की शादी भला एक गरीब किसान के साथ में कैसे कर सकता, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा, मैं जीते जी दे करके मर जाऊंगा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, साधु बाबा तो वहां से चले गए। लेकिन उस राजा के मन में जो है ना ये बात चलती रही कि आखिर
कैसे अपने बेटी की शादी उस किसान के बेटे से करने दूंगा, क्यों ना उस किसान का जो बेटा ना उस जड़ को ही समाप्त कर दिया जाए। उस पेड़ को यदि हम समाप्त कर देंगे तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। वह किसान का बेटा उधर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन यह राजा जो है अपने सैनिकों को अपने मंत्रियों के साथ में लेकर के पता करवाने लगता है कि आखिर मेरी बेटी का जब जन्म हुआ था उस दिन कौन कौन किसान के घर पर एक बेटा जन्म लिया। वह अगल बगल के हर गांव में पता कराते कराते आखिरकार उस गांव में पहुंच जाते हैं। और जब उस गांव में पहुंचता है तो राजा साहब की मुलाकात जो उसी व्यक्ति से हो जाती है जो वह किसान का दुश्मन था। उसने कहा, क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो कि जिसका बेटा का भविष्यवाणी किसी ब्राह्मण ने किया हो राजा बनने का? उसने कहा, हाँ हाँ, अरे एक आया था, वो किसान है, मेरे घर का, मेरे पड़ोसी है, और उसका बेटा जो उस पंडित ने ब्राह्मण ने नशे के धूर्त में था कह दिया कि इसका बेटा बड़ा होकर के राजा बनेगा। लेकिन वह राजा जो एक वेश अपना बना करके जो वहां पर पहुंचते हैं तो उसने कहा कि क्या तुम मेरे को उस किसान के बेटे को दिलवा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और उस किसान को भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, किसी भी तरीके से जो बस मेरे को उस बेटे को दिलवा दो। फिर जो उसने कहा कि ठीक है, चलिए आप एक व्यापारी बन जाइए और मैं जो है किसी तरीके से बालतों में फंसा करके जो है उसको आपको दिलवा दूंगा। बस वो राजा साहब एक व्यापारी का बेस बना करके और उस व्यक्ति के साथ में उसके घर पर किसान के घर पर जाते हैं। और जब किसान के घर पर जाते हैं तो वह व्यापारी के भेष में राजा जी उस किसान से कहते हैं कि सुना है कि आपका बेटा बड़ा होकर के राजा बनेगा। उसने कहा, हाँ, इसमें बड़ी खुशी की बात है और हम लोग बहुत खुश हैं। उसने कहा, जब आपका बेटा राजा बनेगा और आप इतने गरीब हैं, आपके पास इतने सारे पैसे तो हैं नहीं, आप अपने बेटे को हमें दे दीजिए, मैं उसका पालन पोषण करूंगा। वह किसान और किसान की पत्नी कहते, ना, मैं अपना बेटा नहीं दे सकता हूँ। उसने कहा, आप क्या समझते हैं, आपने बेटे को हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूं, बल्कि आपका बेटा जब बड़ा होकर के राजा बनेगा तो क्या उसके अंदर जो राजधर्म वाली गुण भी तो होने चाहिए, इसको गुरुकुल में ले जाना चाहिए, इसको शिक्षा भी देना है, हर चीज का काम करना, और आप जो के पास इतने सारे पैसे है नहीं, इसके बदले मैं आपको भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ और आप अपने बेटे को मेरे हवाले कर दीजिए और मैं आपके इस बेटे को पाल पोस करके जो है राजा वाली जो क्वालिटी है, राजा के जो गुण है, सारे के सारे गुणों से गुरुकुल में पढ़ा करके सही करके फिर से आपके पास जब राजा बन जाएगा तो आप लोग वहां पर चले जाइएगा और उसी राज घराने में रहिएगा। किसान ने और किसान की पत्नी ने दोनों का जब बात कही रहे तो अच्छी बात है, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो अच्छी बात होगा। फिर वह किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है व्यापारी के बेस में जो राजा, और फिर उस लड़के को उठा करके लेकर के चले आते हैं। उस लड़के को ले जाते हैं घनघोर जंगल में, लेकिन जब उस जंगल में ले जाते हैं तो सोचते हैं जान से मारने के लिए, लेकिन राजा को दया आ जाती है और दया आ जाती है तो कहते हैं इसको मारने से बेहतर है कि इसको एक जो है संदूक में एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और बॉक्स में बंद करके इसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं और धीरे धीरे यह बॉक्स में पानी भर जाएगा और ऑटोमेटिक यह मर जाएगा, डूब जाएगा। और ऐसा उसने किया, एक बॉक्स में उस लड़के को छोटे से बच्चे को बंद करके और नदी में बहा दिया, सोचा कि डूब जाएगा, और वह नदी में बहते बहते इस पार से उस पार चली गई। और जब उस पार चली जाती है वह बॉक्स बिल्कुल तैरता तैरता जाता है। उधर जो है एक सेठ उस नदी में स्नान कर रहा था, जब उसने देखा कि बॉक्स कोई बहता हुआ आ रहा, उसने सोचा अवश्य इस बॉक्स में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, कोई रतन होगा, कोई सोना चांदी होगा, कुछ खजाना हो सकता है, अवश्य होगा। वह सेठ जो उस जब बॉक्स को निकाल करके खोलता है तो जो वह चीजें देखता बहुत ही खुश होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। उसमें देखता कि एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र, बिल्कुल एक राजकुमार जैसा, वह देख करके उस बच्चे के सूरत को देख करके मोहित हो जाता है और वह ले जा करके सेठ अपनी पत्नी सेठानी को ले जा करके देता है, कहता है लो जी, अरे हम लोग जिसके इतने दिनों से आस कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से विनती कर रहे थे कि हमारी कभी गोद भरे, लेकिन आज देखो भगवान ने हमारी विनती सुन ली और हमें देखो एक पुत्र दिया है। वो सेठानी भी उस बच्चे को देख करके बड़ा ही खुश होती, बड़ा ही प्रसन्न होती है और भगवान को धन्यवाद करती है कि धन्य हो आपने जो मेरी विनती सुन ली। और इस तरीके से वह सेठ और सेठानी जो है उस बच्चे को पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है, हिस्ट पुष्ट नौजवान, पूरे उसके बाजुओं में दम, हर तरीके से चेहरा निखरता गया, कोई भी इतना खूबसूरत हुआ कि वास्तव में कोई देखता तो मोहित हो जाता। एक बार जो राजा साहब
अपने मंत्रियों के साथ राज्य भ्रमण कर रहे थे, बल्कि वो तो इस प्रकार की चिंता से मुक्त हो गए थे कि वह तो मर गया होगा। लेकिन वह भ्रमण करते करते उसी सेठ के यहाँ चले जाते हैं, और उस सेठ के यहाँ पर जब जाते हैं तो सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा इस नगर के राजा आए हैं और यहाँ पर उन्हें पानी उन्हें पीने के लिए लेकर आओ। और बेटा ने पानी लाया, लेकिन जैसे उस लड़के ने जब पानी लाया तो राजा साहब की नज़र जो उस लड़के पर पड़ी और वह देख करके मोहित हो गया और कहे करी यह तो कोई राज घराने का लड़का है, लेकिन सेठ के यहाँ पर कैसे इतना खूबसूरत इतना नौजवान लड़का। तो राजा साहब ने उस सेठ से कहा कि आपका बेटा तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नौजवान है, अच्छा खासा है, कि ये आपका ही तो बेटा है ना। सेठ ने कहा जी हाँ ये मेरा ही बेटा है और हम लोग इसको पालन पोषण किए हैं और ये जो मेरी पूरी की पूरी संपत्ति का वारिस यही है। तो राजा साहब ने कहा सच सच बताइए क्या आपकी पत्नी ने इसे जन्म दिया है। उसने कहा नहीं नहीं मेरी पत्नी ने तो इसे जन्म नहीं दिया है, बल्कि हमने एक नदी में नहा रहे थे और बाक्स में इस बच्चे को पाए हैं और तब से हम लोग पालन पोषण किए हैं, इसलिए आज तब से ये मेरा बेटा है और पिछले 16 साल से मैं इसको भली बात अच्छी तरीके से मैं परवरिश करता हूँ। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप लोग बहुत ही दयावान हैं। राजा जो अंदर ही अंदर मन की बातों को समझ जाता है, करे मैंने तो इसे मारने के लिए रखा था लेकिन ये तो मरा ही नहीं और जब तक ये जीवित रहेगा तब तक मेरी बेटी के लिए खतरा है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से इस लड़के को तो खत्म करना ही पड़ेगा। फिर जो राजा साहब के दिमाग में खुरपाते विचार आता है, उसने एक पत्र लिखा अपनी रानी को कि रानी ये जो जिसके हाथ से मैं पत्र भिजवा रहा हूं उसको घर पर जाते ही तुरंत जो है इसे जहर दे देना और इसमें मेरा इंतजार बिल्कुल भी मत करना, बिना सोचे समझे जो है तुम इसे तुरंत जो है जहर दे देना। ऐसा उस पत्र में लिख करके और उसको फोल्ड करके उस सेठ से कहते हैं कि मैं आपके बेटे से एक काम करवाना चाहता हूँ। उसने कहा जी हाँ बोलिए आप कौन सा काम करवाना चाहते हैं। तो राजा साहब ने कहा कि जो पत्र है आप इस पत्र को अपने बेटे से कहिए कि मेरे रानी को इसको देने जाना है। उसने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा बेटा अभी चला जाएगा। फिर जो इस पत्र को लेकर के वह जो लड़का निकल पड़ता है राजघराने की तरफ, लेकिन जब पहुंचता है तो रास्ते में जो शाम हो जाती है और एक नदी के किनारे जो है वह आराम करने लगता है और आराम करते करते उसको नींद लग जाती है और गहरी नींद में सो जाता है। पूरी रात बीत जाती है, सुबह होता है, चूंकि काफी थका रहता है तो भी उसे नींद नहीं आती है और वह राजघराने में पहुंच गया रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं रहता, चूंकि अंधेरी रात रहती है और वह मस्त सोया रहता है। सुबह हो जाती है, उसी समय जो राजा साहब की बेटी रहती है चूंकि वह भी नौजवान हो गई रहती है, वह आती है उस तालाब पर जो स्नान करने के लिए, क्योंकि वह तालाब जो है राजा साहब की जो बेटी थी उसी के लिए था, उसी के लिए प्रॉपर बनवाया ही गया था कि वह उसी में आकर के स्नान करती थी। और जब वह बेटी उस तालाब पर आती स्नान करने के लिए तो वह देखती कि तालाब के किनारे एक नवयुवक एक नौजवान लड़का जो लेटा हुआ है सोया हुआ है। वह जैसे उस लड़की के पास पहुंचती तो कहती वाह इतना खूबसूरत नौजवान लड़का आज तक तो मैंने देखा ही नहीं, काश ये मेरी जिंदगी में आ जाता, अरे मैं पूरी की पूरी जिंदगी इसकी दासी बनकर के गुजार जाती, इतना भला खूबसूरत नौजवान लड़की के साथ में भला कौन नहीं रहना चाहेगा, मैं तो इसकी दासी बन जाऊं तो ही अच्छा है। ये किस राजा का लड़का होगा, कौन सा राजकुमार होगा। बस किसी तरीके से वह भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान आप मुझे बस इसको दे दे। और तब तक वह देखती कि उसके हाथ में एक जो है चिट्ठी पड़ी हुई जिस पर जो राजघराने का मोहर लगे हुए है, वो उस चिट्ठी को धीरे से उठाती है और उसमें पढ़ लेती चिट्ठी को, तो वह अपने पिता की राइटिंग को समझ लेती है कि मेरे पिता ने, उसको अपने पिता पर बस बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे पिताजी इस लड़के को मरवाना चाहते हैं, अरे ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं होने दूंगे। तो उसमें जो लिखा था जहर दे देना, तो उस लड़की ने अपने पिता के ही राइटिंग में जहर को जो जौहरी बना देती है और फिर जो उसके हाथ में थमा देती है। थमाने के बाद जो वो लड़की उस लड़के को जगाती और कहती कि अरे जी उठिए, अरे मेरा इस तालाब पर नहाने का समय हो गया, आप अपने काम पर जाइए। फिर जो है वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि मेरे को राज दरबार में जाना है, राज दरबार का रास्ता कौन है। वो बता देती है, चूंकि वह राजा की ही लड़की रहती है लेकिन वह तो नहीं पहचानता है, और वह फिर से उस चिट्ठी को लेकर के राज दरबार में चला जाता है और वहां पर जो है रानी को बुलवा करके उस चिट्ठी को दे देता है। रानी ने जैसे ही पढ़ा कि इस
लड़की के माध्यम से जो चिट्ठी जा रहा है बिना सोचे समझे तुरंत जो है तुम जौहरी को दे देना, मेरा इंतजार बिल्कुल ही मत करना। क्योंकि जो राजा साहब की जो बेटी थी ना उसका नाम जौहरी ही था और इसलिए उसने जौहरी बना दिया। तो रानी ने कहा कि बेटा कुछ समय के लिए इंतजार करो, जो इस चिट्ठी में लिखा गया मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ, मेरी बेटी को आने दीजिए। वह जब लड़की आती है, बेटी आती है, तो रानी ने कहा देखो तुम्हारे पापा ऐसे ऐसे राजा साहब ने कहा है और इसके लिए तुम्हें इसके साथ शादी करना पड़ेगा। फिर वह रानी ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करा देती। अब तो जब उस लड़की की शादी उससे हो जाती, दोनों पति पत्नी के तरह जो उस राजघराने में रहने लगते, वो लड़का कहता है कि मेरे को अपने माता पिता से मिलने जाना है। लेकिन रानी कहती कि नहीं, जब तक इसके पिता नहीं आ जाते हैं तब तक जो है बेटा तुम्हें यहाँ से नहीं जाना होगा, इसके पिता जब आ जाएंगे तब तुम आराम से चले जाना, क्योंकि विदाई होते समय इसके पिता का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। 1 महीने बीत जाते हैं पूरे के पूरे, और 1 महीने के बाद वह राजा निश्चिंत होकर के अपने राज दरबार में जब आता तो वह तो यही सोच रहा होगा कि वह तो लड़का मर गया होगा। लेकिन जैसे ही जब राज दरबार में आता है तो जो चीजें सुनता है, जो रानी ने बताया कि आपकी बेटी की शादी उस लड़की के साथ में हो गई है, भला आपने ही तो चिट्ठी में लिखा था, वो बड़ा ही हैरान रहता कि क्या तुम करे, क्या तुम पकड़िए, अरे मैंने यही कहा था। उसने कहा कि देखिए ये आपके ही द्वारा चिट्ठी लिखा गया था ना। उसने देखा कि हाँ जहर नहीं बल्कि जौहरी लिखा। वो राजा बड़े ही कंफ्यूज हो जाता है। उसने कहा हाँ गलती तो मेरे से ही हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ये लड़का की शादी तो मेरी उपस्थिति में नहीं हुई है ना, इसलिए मैं इस शादी को मानता ही नहीं हूँ। उसने कहा जैसे भी हो इस लड़की को अपनी लड़की से जिंदगी से दूर करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस लड़की की शादी जो मेरे लड़की से हो, मेरी बेटी से ऐसा हो ही नहीं सकता, वो राजकुमारी है और भला ये इसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, यह करेक्टर का बहुत ही खराब है। तो रानी ने कहा जैसा भी हो अब तो जो आपकी राजकुमारी है उसकी शादी इससे हो गई है, तब तो पूरा जीवन उसके साथ गुजारना ही पड़ेगा। उसने कहा तुम अपनी बातें बंद रखो, मैं नहीं था तो बस समझो ये शादी हुआ एक प्रकार का खेल था और वह खेल खेल करके वह चला जाएगा। लेकिन रानी ने कहा रे आपको नहीं पता है कि जो लड़का है आपकी बेटी राजकुमारी के साथ में लगभग 1 महीने के साथ 1 महीने से सहन भी कर रहा है, और आपकी बेटी जो है ना एक बच्चे की माँ भी बनने वाली है। वो कहता क्या बातें कर रही हो। उसने कहा हाँ यही बात है। राजा ने तुरंत जो उस लड़के को बुलवाता है और कहता है कि देखो तुमने मेरी बेटी के साथ में शादी जो है धोखे से किया है, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर लेटर पत्र भेजने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पर आकर के मेरी बेटी से शादी कर ली। उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि रानी ने किया, और भला आपकी बेटी में क्या बुराई थी, उसको मेरे को पसंद है, आपकी बेटी मैं पसंद करता हूँ, तो इसलिए हम दोनों लोग शादी करें, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो राजकुमारी ने भी अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं इन्हें काफी पसंद करती हूँ इसलिए आप इन्हें दूर मत करिए। उसने कहा बेटी तुम चुपचाप रहो, ये मेरा काम है क्या करना है। तो राजा ने उस सेठ के लड़के से कहा कि देखो मेरी अनुपस्थिति में शादी हुई है इसलिए मैं इस शादी को नहीं मानता, तुम जो इस शादी को खेल समझ करके निकल जाओ। राजकुमारी वहां पर जीत में कर जाती है, कहती कि अगर पिताजी अगर यह यहां से गए तो सोच जाएगी इसके बाद मेरी लाश ही मिलेगी, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। और लड़की भी जिद पर आ जाती है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहना चाहती है मैं अपनी बेटी को देने के लिए तैयार है, लेकिन बेटा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो उस लड़के ने कहा अच्छा ठीक है राजा साहब बताइए मेरे को कौन सा काम करना पड़ेगा, कौन सा परीक्षा आप लेना चाहते हैं। तो राजा साहब ने कहा यहां से मेरे राज से 30 कोस दूर जो है एक राक्षस का घर है और उस राक्षस ने एक बकरा पाल रखा है और तुमको जाकर के उस बकरे का दूध लेकर के आना है। तो लड़के ने कहा ठीक है इसमें कोई बात नहीं। राजकुमारी ने कहा देखिए जी मेरे पिताजी है ना आपको मरवाना चाहते हैं। उसने कहा घबराओ नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो मैं शांति से जाऊंगा और बहुत जल्द मैं वापस भी आ जाऊंगा। फिर उस लड़के ने कहा कि कब मेरे को जाना है। उसने कहा कल सुबह निकल जाओ। फिर वह लड़का कल सुबह अपना सब अच्छे खासे तैयारी करके वह जो उस रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। जब वह निकलता है तो पहले वह जंगल पार करता है, लेकिन जिस जंगल से वह गुजर रहा था वह जो जंगल जो आम का फलों का बगीचा था लेकिन उसमें एक भी फल नहीं लगे हुए थे। जब एक भी फल नहीं लगे हुए थे तो
वहां पर एक बूढ़ा उनको नजर आता है। उस बूढ़े बाबा के पास में वह जो है लड़का जो है रुकता है। कुछ देर विश्राम करने के बाद उस बूढ़े बाबा से पूछता कि आखिर इतने सारे इस बगीचे में आम के फल लगे हैं लेकिन इसमें कोई भी आम फलता नहीं है। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटा मैं भी यही सोचता हूँ, क्या तुमको पता है कि इसका राज क्या है? तो उस लड़के ने कहा, बाबा मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ अगर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो अवश्य मैं आपको बता दूंगा कि इस बगीचे में फल क्यों नहीं लग रहे। उसने कहा, बेटा जल्द ही इसके बारे में पता करके लाना। फिर जो है वह लड़का जो है जब जंगल से कुछ दूरी पर जाता था, एक सामने बहुत बड़ी नदी पड़ती है, उस नदी को उसे पार कर करके जाना पड़ता है। ठीक है, जब उस नदी से पार करके जाना पड़ा तो उस नदी पर एक जो नौका रहती है, एक नाव रहती है, और उस नाव में हमेशा एक जो है नाव को जो नाव चलाने वाला भी बैठा था। वह हमेशा इस पार उस पार जाता और वह उस नदी में नाव पर सवार होकर उस पार जाता और कहता कि भाई चलो तुम भी हमारे साथ में चलो। उसने कहा, नहीं नहीं मैं इस नाव पर से नहीं उतर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस नाव पर से उतरूँ तो अवश्य मैं मर जाऊँगा, इसलिए मैं हरगिज इस नाव पर से नहीं उतर सकता हूँ। उसने कहा, क्या आपको इसका राज की बात पता है? अगर आखिर मैं इस नाव से कैसे मुक्ति पाऊंगा? उसने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो अवश्य मैं आपको बता दूंगा कि इस नाव से आपको मुक्ति पाना है। लेकिन कुछ ही दूर पर चलते हैं तो चलते चलते जो है एक ऐसा वीरान जगह आता है कि वहां पर काफी जो है कोई भी नजर नहीं आता है, बिल्कुल सूना सूना रहता है। लेकिन वहां पर भी उसे एक जो बूढ़ा बुजुर्ग नजर आते हैं और उससे बूढ़े बुजुर्ग से मुलाकात होती है। तो कहते कि बाबा यहाँ पर इतना सूना सूना क्यों है? कोई आदमी को यहाँ पर क्या कोई रहता नहीं है तका? उसने कहा, यहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती थी बेटा, लेकिन अचानक जो यहाँ के सारे लोग एक एक करते गायब होते गए। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता किया तो जो बस्ती थी ना, उस बस्ती के बीचों बीच में एक कुआं था और उस कुएं में बहुत ही मीठा पानी था और उसी पानी को लोग पी करके रहते थे, हर चीज़ अपना खेती बाड़ी करते थे। लेकिन अचानक उस कुएं का पानी जो इतना खारा होता गया, कड़वा होता गया, लोगों को जब पीने का पानी नहीं मिलेगा तो लोग धीरे धीरे इस जगह को छोड़ करके चले गए और बस मैं ही कभी इधर उधर घूमता हुआ आ जाता हूँ। लेकिन बेटा क्या तुम्हें पता है कि उस कुएं का पानी क्यों खारा है? आखिर ऐसा क्यों है? उसने कहा, बाबा जी मेरे को अभी तो पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मेरे को वहां पर सब चीजों का आंसर मिल जाएगा, बस आप कुछ देर इंतजार करिए। अब वह धीरे धीरे आगे चलता है और कुछ दूरी पर देखता है कि एक घर है और उस घर के आगे एक बुढ़िया बैठी हुई है, और जहां पर बुढ़िया बैठी हुई तो एक बहुत भयानक विशाल जो है शरीर का एक बकरा भी बंधा हुआ है। बस समझ जाता है कि कहीं ना कहीं यह घर जो उसी राक्षस का तो नहीं है ना। और वह जब उसके पास में पहुंचता है तो उस बुढ़िया से पूछता है कि क्या यह जो उसी राक्षस का घर है जिसके पास मैं आया हूं और राजा साहब ने भेजा है बकरी का दूध लेने के लिए, क्या वह वही बकरा है? तो बुढ़िया ने कहा, अरे राजा साहब का दिमाग तो कहीं चरने तो नहीं गया है ना, अरे भला बकरा कहीं दूध देता है क्या बेटा, तुमने इतना भी नहीं सोचा? तो उस लड़के ने कहा, नहीं मैंने इतना तो नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि हो सके राक्षस मायावी होगा, जादूगर हो गया, और इसलिए उसका जो बकरा होगा उसका दूध भी देता होगा, तो मैंने तो यही सोच करके यहाँ पर चलाया। उसने कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से अगर तुम अगर कोई दूध ले भी जाओगे तो काफी लंबा समय होगा जिसकी वजह से दूध फट जाएगा, इसलिए बेटा मेरा कहना मानो कि अभी जो राक्षस है ना मैं उसकी दाई हूँ, मैं उसके घर की नौकरानी हूँ, वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत भयानक है, और अभी वह जंगल में घूमने गया, इसलिए तुम जो इस बकरे को ही लेकर के यहाँ से चले जाओ और राजा साहब को दे देना। उसने कहा, दादी माँ लेकिन मेरे मन में कुछ और भी प्रश्न है। उसने कहा, हाँ पूछो बेटा, मैं सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें दे दूंगी, भले ही मैं एक दाई हूँ लेकिन मैं मजबूरी बस में मैं यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन तो जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न है सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगी। उसने कहा कि देखो जो बगीचा है, जो तुम्हारे मन में पहला प्रश्न है कि बगीचा में आखिर जो है फल क्यों नहीं लगते हैं, तो उसने कहा बगीचा में फल इसलिए लगते हैं कि उस बगीचा में जो भी फल है उसके नीचे जो एक चूहा रहता है, और जब चूहा जो है जहां पर भी काट देता उसके नीचे जो है मेटल बन जाते, धातु बन जाते, स्वर्ण बन जाते, सोने बन जाते थे, और सारे के सारे जो आम के पेड़ उन पेड़ों के नीचे वो काट करके मेटल कर दिया है, सोना बना दिया है, और भला जब जिसके नीचे मिट्टी चाहिए और वहां पर सोने बन गए तो वह कैसे फल दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो उस लड़के ने कहा, आखिर वह नाविक
कैसे उस नाव को उससे छुटकारा मिलेगा, नाव से हमेशा वो उसी में क्या रहेगा? उसने कहा नहीं नहीं जिस दिन अगर कोई राजा उसकी नौका पर बैठेगा और अगर वह राजा उस नाव में से उतरने से पहले वह व्यक्ति अगर उस नाव से उतर जाता है तो राजा ही उस नाव में चढ़ा रहेगा, बल्कि उससे उस नाव से मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लिए तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन है कि किसी ना किसी बहाने से उस राजा को उस नौके में बैठा दो, बस तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। तो उस लड़के ने कहा जो मेरा तीसरा प्रश्न है उस कुएं वाला। तो उस बुढ़िया दादी ने कहा बेटा वो जो कुआं है ना उस कुएं के निचले हिस्से में ढेर सारे जो है हीरे के चट्टान है, अगर वह हीरे का चट्टान जो निकल जाए तो उस कुएं से फिर से जो है मीठा पानी आना शुरू हो जाएगा। अब तो उन्हें सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और वो उस बकरे को लेकर के चलता है। जैसे बकरे को लेकर के चलता है तो सबसे पहले कुआं पर वे बूढ़े बाबा बैठे रहते उसी के आस में। तो लड़का जो है बूढ़े बाबा से कहता है कि बाबा जी ये जो कुआं है कुआं का पानी का खारा इसलिए है क्योंकि इसके नीचे जो है ना बहुत सारे कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो रास्ता रोक रही हैं और वे कड़वे हैं, इसलिए आप उन चट्टानों को निकलवा दीजिए। फिर जो दोनों लोग किसी तरीके से मिल करके उन सारे के सारे चट्टानों को निकलवा करके उस नदी के किनारे ले जा करके रख देते हैं। तो जब नदी के किनारे ले करके जा करके रख देते हैं तो वह जो नाविक था उसने कहा कि भाई साहब क्या इन चट्टानों को इस पार से उस पार ले जाना? उसने कहा नहीं नहीं यह जो हीरे हैं और इन हीरों को मैं यहाँ पर इस पार से उस पार तो ले जाना है, लेकिन तुम्हें मुक्ति कराने के लिए मैं यहाँ पर इन हीरों को यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। मेरे को क्या जरूरत है, नहीं चाहिए हीरे मती, मेरा मकसद है तुम्हें मुक्ति दिलाना और बस मैं किसी ना किसी बहाने से मैं जाऊँगा और राजा को यहाँ पर भेजूँगा और जैसे ही राजा साहब जब यहाँ पर आएंगे इन चट्टानों को हीरों को लादने के लिए तो तुम जो कहना कि आप वहीं पर नौका पर रहिए और मैं इन सारे के सारे हीरो को मैं नौका पर चढ़ा देता और बस इसी बहाने जब तुम उतरना वहां से चल जाना और राजा साहब को जब नौका मिल जाएगी तो वह भला उस नौका को तब छोड़ भी नहीं सकते और बस इस तरीके से तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। और वह जो है ऐसा ही काम करके उस लड़के को नदी के उस पार करा देता है। और जब नदी के उस पार करा जाता तो कुछ दूरी पर जाता तो वह आम का बगीचा वाले बूढ़े बाबा मिल जाते हैं जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा क्या तुमको पता चला कि आखिर मेरे बगीचे के सारे आम के जो फल क्यों नहीं देते? उसने कहा बाबा जी इस बगीचे में जो ना एक ऐसा चूहा है ना जो बार बार जो आपके सारे पेड़ों को कुतर दे रहा है, जिसकी वजह से अगर आप उस चूहे को यहाँ से निकाल करके हटा देते तो कुछ समय बाद जो है आपका जो आम सारे के सारे फल देना शुरू हो जाएंगे। फिर जो है खुदाई करने के बाद वास्तव में वो चूहा मिल जाता है और चूहे को ले जा करके दूर वीरान जगह पर छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद वह पेड़ से फल भी देना शुरू हो जाता है। अब तो वह लड़का जो है सेठ का लड़का उस बकरे को लेकर के राज दरबार में पहुंच जाता है और जब राज दरबार में पहुंचता है तो राजा साहब ने कहा रे दूध तो लाओ, कहाँ है दूध? उसने कहा राजा साहब अगर मैं उतना दूर से अगर बकरे का दूध लाता तो फट जाता, इसलिए मैं बकरे को ही उठा लाया, आप बकरे का दूध निकाल लीजिए, इसमें है, बहुत सिंपल सी बात है। तो राजा साहब ने कहा नहीं नहीं तुम मेरे मिशन में तुम मेरे परीक्षा में फेल हो गए। उसने कहा अरे मैं परीक्षा में कैसे फेल हो गया, मैं तो पूरा अच्छे तरीके से पास हो गया, मैं दो चार बूंद नहीं दूध लाया बल्कि पूरा का पूरा बकरा ही उठा लाया और आप बकरे से दूध निकालिए। वह जो है कहता कि नहीं तुम मेरी बेटी के नहीं हो सकते हो, तुमने परीक्षा में फेल हो गए। उसने कहा राजा साहब आप ही का राजा है और आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, एक नदी पड़ी है और वहां पर जो ढेर सारे मैंने हीरे देखे, हीरे के चट्टान वहां पर मैंने लाकर के रख दिया लेकिन मैं ला नहीं पाया, इसलिए अगर आप जो है वहां पर जाते और उन सारे के सारे हीरो को उठा लाते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो राजा साहब अपने सैनिकों को लेकर के वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो राजा साहब तो आगे चलते जाते हैं लेकिन सैनिक जो है इधर उधर भूल जाते हैं रास्ता और गुम हो जाते हैं और राजा साहब अकेले जाते उस नदी पर पहुंच जाते हैं लेकिन उनके सैनिक पीछे रह जाते हैं। राजा साहब ने जब अपने देखा अरे सारे के सारे सैनिक गायब हो गए, छूट गए पीछे, वो इतना ही उस हीरे के लालच में थे कि वो पीछे देखे नहीं, चलते जा रहे उन्हें इच्छा थी कि कब वह मिल जाए। और उस नदी के जब किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर वो नाविक था
उस नाविक ने कहा, राजा साहब आप आ गए, अरे मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, बल्कि एक लड़के ने आपके लिए यहाँ पर जो कुछ हीरे छोड़ के गए, अब चलिए मैं उनको लदवा देता हूँ इस नौके में और आप लेकर के अपने राजघराने चले जाइएगा। बस वो राजा साहब को तुरंत उस नौका में बैठाता है और उस नदी के उस पार ले जाता है, और जैसे ही नदी के उस पार ले जाता है तो बस वो नाविक वाला कहता है कि राजा साहब आप इस नौका में ही बैठे रहिए और मैं सारे के सारे हीरो को मैं लदवा देता हूँ। और वह जो है नौका से उतर करके उन हीरो को लदवा देता है और कहता है कि राजा साहब अब आप जो आराम से रहे, मैं तो चला। उसने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे को उस पार तो छोड़ो को। उसने कहा नहीं नहीं अब मैं इस नौके पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मेरे को तो इस नौके से बात करके रखा गया था और अब आप इस नौके से बच गए। अगर आप इस नौके से नीचे उतरने की कोशिश की तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे, इसलिए आप इनसे नीचे उतरने की उम्मीद भी मत करिएगा, मैं तो चला अपने घर। और इस तरीके से उसको मुक्ति मिल जाती है और राजा साहब वहां पर फंस जाते हैं। फिर जो उधर वह लड़का अपनी उस राजकुमारी के साथ में उस राजदरबार में रहने लगता अच्छे से, लेकिन जब रानी ने उस लड़के से पूछा कि आखिर राजा साहब इतने दिन हो गए कहाँ गए, अब तक आए नहीं इन हीरो को लेकर के, तो उस लड़के ने कहा रानी ये जो आपके राजा साहब हैं ना गए हैं हीरो को लाने के लिए, लेकिन उन्हें उस नौका से बात करके रख दिया गया, अब वो यहाँ पर नहीं आ सकते, अब आप यहाँ पर रह करके आराम से राज करिए, राजगद्दी चले, मेरे को कोई इस राज दरबार से मोह नहीं है, बस मेरे को मेरी राजकुमारी मिल गई, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो रानी ने कहा बेटा मैं इतने सारे जायदाद को लेकर के मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मेरे राजा रहेंगे, जहाँ पर मेरे पतिदेव रहेंगे, मैं भी वहीं पर रहूँगी, मेरे को भी किसी न किसी तरीके से वहीं पर मेरे राजा के पास में भेज दो, मेरे पतिदेव के पास में भेज दो, मैं वहीं पर उन्हीं के साथ में जीवन यापन करूँगी। और फिर जो है वह लड़का गद्दी पर बैठ जाता है और रानी को राजा साहब के पास भेज दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद वह सेठ जो उस राज दरबार में आता है, तो जब राज दरबार में आता है तो अपने लड़के को देखते कि मेरा लड़का तो राज सिंहासन पर बैठा है, बड़ा ही खुश होता है। वो लड़का भी अपने पिता को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है, लेकिन उधर जो वह किसान थे, किसान भी अपने पुत्र की आस में थे कि आखिर जो साधु बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि बात सत्य हुई कि नहीं, मेरा बेटा एक राजा बनेगा। और वह जब किसान और किसान की पत्नी उस राज दरबार में आते तो वह अपने बेटे को देखते, लेकिन वे बेटे अपने उसको पहचान नहीं पाते। फिर जब उस सेठ से और उस किसान से बातचीत होती है, सारा का सारा वाक्य बता देते हैं, फिर वह भी लड़का अपने उन माँ बाप को भी, ओरिजिनल हकीकत वाले जो माँ बाप रहते उनको भी पहचान जाता है, और टूट टूट करके अपना प्यार वे दोनों माँ बाप अपने उस बेटे पर बरसाते हैं। वह लड़का उस राज दरबार में अपने उस सेठ सेठान को भी और अपने उस किसान और किसान की पत्नी को भी अच्छा सा जगह देते हैं, और वह हर तरीके से अपने वह माँ बाप की सेवा करते हैं। और इस तरीके से राजा की बेटी की शादी उस किसान के बेटे से होती है और वह बेटा एक राजा भी बन जाता है। बस यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी कि जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता, भले ही आप कुछ भी कर ले, अगर आपकी मौत लिखी तो मौत आना ही आना है, इसलिए हमें अपने कर्म भी करते रहना चाहिए और जो भगवान ने लिख दिया वो तो होना ही होना है, लेकिन हमें अपना प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। बस मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, अगले वीडियो में फिर से एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा, तब तक लिए धन्यवाद।